हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये गुलदाउदी की जो सैपलिंग्स मंगाई थी उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इनको ऐसे ही लगा रहे हैं, क्योंकि अभी जब ये ठीक से स्टेबल हो जाएंगी तब इनको अच्छे से रिपोर्ट करेंगे। और क्योंकि इन्हें आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो सैपलिंग्स भी थोड़ी सी जो है अभी कंडीशन इसकी ठीक नहीं है। और ये देखिए, इस तरह से अभी बस जो है इनको इस तरह से ये निकाल निकाल के लगा रहे हैं। तो इस तरह की ये पैकिंग थी इनकी, और हर एक पे इस तरह से ये इनका इसका नंबर और जिस टाइप का ये फ्लावर है, कलर और वैरायटी इस तरह से दी हुई है। तो ये हमने 40 मंगाए थे, और जिसमें से कुछ जो है बिल्कुल ही जो है सैपलिंग ख़राब निकली, मतलब कि वो आते आते ख़राब हो गई होगी, वहाँ से तो ठीक ही थी। तो उसके बदले वो हमें दूसरी सैपलिंग्स भी भेजेंगे, ऐसा भी कहा है। तो ये वाली जो है जो ठीक सी ठीक मतलब थी, वो सारी जो है ये देखिए इस तरह से लगा ली है। तो इसके लिए सॉइल जो है वेलड्रेन हमने रेडी कर लिया था, जिसमें वही एक भाग मतलब नॉर्मल मिट्टी का लिया और एक भाग इसमें हमने कंपोस्ट का लिया है। इसमें कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट ऐड किया हुआ है, और एक भाग जो है इसमें रेतीली मिट्टी का ऐड करके इसकी जो है सॉइल को बनाया है। और बस इसी तरह से जो है इसमें से ये निकाल करके डायरेक्ट, और इसको बस इसी तरह से जो है ये देखिए ऐसा है। तो यहाँ से साइड से इसको काट के, और कोकोपीट में थी ये, तो इसको बस ऐसे ही जो है लगा लिया है। और बाकी मैं इसके भी सारे जितने भी ये एक्स्ट्रा लीव्स हैं ना, जो पत्ते हैं बड़े बड़े, ये सब मैं कट कर रही हूँ। तो इनके मैंने कट कर दिए हैं, तो अगर इनको मैं कट नहीं करूँगी तो ये एक तो जो है अभी बरसात का समय है, तो ये एक्स्ट्रा जो है फंगस क्रिएट कर सकते हैं और प्लांट ख़राब हो सकते हैं, छोटे छोटे हैं। तो ये सारे मैं काट दूंगी, सिर्फ ऊपर के छोटे छोटे से जो ये थोड़े थोड़े से पत्ते हैं ना, ये रखूंगी। तो आज धूप थोड़ी सी यहाँ निकल गई थी, तो उसकी वजह से, और ये दिन में बाहर ही हैं, टेरेस पर ही रखी रही थी सारी इसी वाले बास्केट में। तो ये देखिए थोड़ी बिल्कुल मुरझा सी गई है। तो अभी ये पानी देने के बाद मतलब कल तक ये बिल्कुल स्टेबल सी हो जाएगी, सीधी सी हो जाएंगी। और ये सारे इसके पत्ते मैं अभी रिमूव करूँगी। तो अभी और भी है जो कि मतलब कि लगा रहे हैं। तो बाकी तो जब ये अच्छे से मतलब हो जाएगी और देखते हैं कैसी निकलेगी, तो वो सभी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये देख, चलिए मैं इसको अभी पूरा करती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जिनकी भी सारी एक्स्ट्रा लीव्स है ना, मैं इनको सबको काट रही हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बनी हैं और ये अभी सैपलिंग्स को होने में थोड़ी डिस्टर्ब करेंगी। तो सिर्फ इसकी एक दो जो ऊपर की पत्तियां हैं वो ही हम छोड़ेंगे, और बाकी ये सारी जो है मैं कट कर दूंगी। तो अभी इसको थोड़ा सा स्टेबल होने में भी टाइम लगेगा। ये देखिए बड़ी बड़ी लीफ जो है ना, सब कट कर देंगे। और उसके बाद इसको पानी दे करके थोड़ा सा साइड में रख देंगे, क्योंकि यहाँ अभी बारिश जो है उसका पता नहीं चल रहा है। कभी भी बारिश आ रही है, और कभी बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, और कभी बहुत धीरे भी आती है। तो थोड़ा सा पानी इस टाइम पर तो देना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये मुरझा गई है। आज धूप थोड़ी तेज़ थी, और आज दिन में बारिश भी नहीं हुई, एक बार हुई थी और बस हल्की फुहार जो होती है ना उस टाइप से। तो इसके ये सारे लीव्स ये अभी मैं काट देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है, और सभी के मैंने ये देखिए यहाँ से ना ये पत्ते सारे रिमूव कर दिए हैं। तो बस इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी सी जो ये मतलब कि सैपलिंग रह गई है। तो उम्मीद तो मुझे थोड़ी इसकी कम ही लग रही है, और बाकी देखते हैं कि, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है तो इस टाइम पर हो ही जाती है वैसे तो, लेकिन अगर ये नहीं हुई और अच्छा रिज़ल्ट नहीं इसका रहा, तो मैं इसका नंबर आपसे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये कुछ ठीक भी नहीं भेजी थी उन्होंने। और बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ख़राब सैपलिंग्स थी, तो उन्होंने बस ये कहा हुआ है कि उसके बदले वो दूसरी भेजेंगे। तो देखते हैं, अगर वो भेजते हैं और ये ठीक ठाक रहती हैं तभी मैं इसका नंबर आपसे शेयर करूंगी, और आप फिर उसको अगर चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। और अभी तो फ़िलहाल ये मैंने इस तरह लगा दिए हैं, और इनमें से भी बहुत सारी जो है ये ख़राब से हैं थोड़े थोड़े। तो बस यही है मतलब कि सारी सैपलिंग, और बाकी जो भी इसका अपडेट होगा वो शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो ये वीडियो इतना ही, और विंटर गार्डन की प्रिपरेशन ये मेरी चल रही है। तो अभी मैंने बहुत सारी कटिंग्स जो है लगाई हुई हैं, और
और कोई इधर उधर पॉट में लगा दी हैं, कोई पर्टिकुलर डिस्पोजल में लगाई हैं, तो अभी यहीं यहीं इधर उधर सब जगह कटिंग्स लगी हुई हैं। तो मैंने बहुत सारी कटिंग्स का वीडियो शेयर भी नहीं किया है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और गार्डन में आजकल इतना ज़्यादा काम है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता और मुझे वीडियो खुद ही बनानी होती है और काम भी करना होता है, तो इस वजह से सारी वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। और बाकी कटिंग्स मैं लगा ही रही हूँ डेली, तो जो कटिंग मुझे ठीक लगी या लगाने का तरीका वो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। तो बस इस टाइम पर ये है कि आप कटिंग्स लगा लें, विंटर गार्डन की तैयारी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये विंटर गार्डन के लिए बस ये अपने क्राइसेंथेमम जो है स्टार्ट कर दी हैं, और जो मेरे अपने क्राइसेंथेमम जो गुलदाउदी हैं जो मेरे अपने बचे हुए हैं उनको भी मैं जो है लगाऊंगी और वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो कुछ अभी मैं उसमें से कटिंग लेकर के आई हूँ, तो ये देखिए कुछ कटिंग जो है ये प्रोफेसर जी उसकी ही लगा रहे हैं। तो ये मेरे अपने गुलदाउदी की है क्योंकि तीन चार तरह के जो हैं वो मेरे पास भी हैं, तो उनके प्लांट्स काफ़ी बुशी से हो गए हैं और इस टाइम पर इनकी कटिंग्स को हम लगा सकते हैं। तो वो कटिंग मैं बाद में भी लगा सकती हूँ, मैं एक दो दिन मतलब बाद में, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँगी। और बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी इनका अपडेट होगा वो शेयर करूँगी। तो बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी जानकारी आगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।